नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। मुंबई में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 630 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बात की जानकारी मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी है। उन्होंने कहा कि शहरी गैर दलित बस्तियों के सुधार, सरकारी भूखंडों पर जाल लगाने वाले दीवारों का निर्माण, वन, मत्स्य पालन, कौशल विकास, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन का निर्माण, सरकारी कॉलेजों के विकास, सरकारी आवासीय भवनों, व्यायाम शालाओं और खेल के मैदानों आदि का विकास जैसी योजनाओं के लिए कुल 630 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। धनराशि मुंबई उपनगरीय जिला योजना समिति की बैठक में मंजूरी दी गई है। पालक मंत्री लोढ़ा ने बताया है कि मुंबई उपनगरीय जिला योजना समिति स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी मुंबई विश्वविद्यालय के सहयोग से मुंबई उपनगरीय जिले की जिला विकास योजना तैयार करेगी और इसे लागू करेगी। मुंबई उपनगरीय जिले के विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष में विकास की योजना बनाई गई है। इसमें अनुसूचित जनजातियों की बिक्री का भी प्रावधान है। लोढ़ा ने बताया कि विकास योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम जल्द शुरू होगा। ऐसी ही खबरों जुड़ी जानकारी के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट पर। धन्यवाद।